बोलो जुबा केसरी। तो कैसे आप लोग, स्वागत है आपका फिजिक्स और ग्रेविटी की खतरनाक काली दुनिया में, जहां भोजपुरी फिल्मों के खूंखार VFX और दिमाग को हिला के फाड़ के रख देने वाले एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। भोजपुरी फिल्में हो चाहे किसी भी, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो इमोशनल हो या कोई एक्शन वाली, उन्होंने फिक्स कर रखा है कि मूवी में कम से कम 4 बार तो फिजिक्स और ग्रेविटी की लेनी है, 2 दिल को दहला देने वाले डायलॉग होने चाहिए और कम से कम 1 VFX सीन तो ऐसा होना चाहिए जिसको देखने के बाद देखने वाले की आत्मा तुरंत परमात्मा से मिलने के लिए मजबूर हो जाए। उठा ले रे देवा, उठा ले। तो आओ यार, अपने कानों में ईयरफोन लगा लो, अपना मुंह अपनी कंबल के अंदर डाल लो और शुरू करते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। ये तो बहुत बड़ा कलाकार है। फिजिक्स की किताब पढ़ने से पहले एक लंबी सांस के साथ अपने दिल को सांत्वना दो, क्योंकि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन के 5 नियम दिए थे, 3 तो तुम पढ़ ही रहे हो, चौथा ये वाला है, द लॉ ऑफ मां बहन ऑफ फिजिक्स। कमीनों ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है कहीं UPBR वालों को। ये आली रे, आली रे। अंधे है क्या हम लोग, देख रहे ना? आली, हाँ ठीक है ठीक है। नीचे एडी से लेके ऊपर घुटने तक के दिमाग को पूरा काम मिलेंगे, लेकिन मजा आला ऊपर भेजे में रखे दिमाग को हाथ पे लगा ले, अलग ही लेवल की फिजिक्स खेली जा रही है। अरे मेरा जूता कहाँ पे है इसकी भैंस की आंख। आप जिंदगी में कितनी भी बड़ी गलती कर देना, ढिंचक पूजा के हाथ में माइक दे देना, मुनावर को लड़कियों से दूर रखने की नाकाम कोशिश कर लेना, यहाँ तक कि कंटेंट के नाम पे मुजरा भी कर लेना, लेकिन भोजपुरी एक्टर के हाथ में गन और पिछवाड़े के नीचे बाइक कभी मत देना। भाई साहब, अंदर का जानवर जाग जाता है उनके। न्यूटन और आइंस्टाइन को तो साफ साफ धमका दिया जाता है। बैठे रे फड़वे, नहीं तो यही डाल दूंगा तेरे को। ये लो भैया, हो गया फिजिक्स का बंटाधार, लग गई इसके हाथ। अब देखिए ये कैसा इसका उपयोग करता है। ये इस ड्यूक का साउंड सुजुकी वाला कब से हो गया यार? लॉजिक के साथ साथ इंजन के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। अरे खतरनाक लोग हैं। सोचो, ये तो सिर्फ बाइक हाथ लगी है तब ये हाल है, अगर AK-47 हाथ लग जाए तो फिर अपना काम खल्लास। चलो उतर तो गया कम से कम। भाई आसपास देख ले कहीं न्यूटन की लाश पड़ी होगी, जा जाके मूत के आजा उसके ऊपर। मेरे आदरणीय गुरुजी लोगों, वीडियो गेम्स का कैरेक्टर भी AKM को दोनों हाथों से पकड़ के चलाता है, बावजूद इसके वो कंट्रोल नहीं होती। तुम यार दोनों हाथ से AK-AKM चला रहे हो, तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? इस हाथ से लॉजिक को खा गए और दूसरे से फिजिक्स को खा गए। और रही बात ग्रेविटी की, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में ग्रेविटी का नामो निशान नहीं मिलेगा, अरे ऑप्शन ही नहीं रखा इन्होंने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मूवी के एक्शन डायरेक्टर साहब, मेरे को आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है। ये जो नशा आप कर रहे हो, ये कहीं बाहर से मंगवाते हो या घर का ही पेड़ लगा रखा है? शर्म, शर्म करो, शर्म। तुम्हारे इस VFX से BGMI का विक्टर ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है मेरे को। इस सीन को कोई अच्छा डायरेक्टर देख लेना तो शिवगामी देवी की सुगंध बल्लाल देव के रथ के नीचे आके मर जाएगा वो। धिक्कार है साला। रोको उसको भाई। ऐसा लग रहा है जैसे हाई ग्राफिक्स में कोई घटिया गंजड़ी गेम खेल रहा हूँ। कहीं ऑटो उड़ रहा है, कहीं गाड़ी उड़ रही है, कहीं आदमी उड़ रहा है, कहीं आदमी गाड़ी और लॉजिक तीनों की धज्जियां एक साथ उड़ रही है। भाई इतना जहर मेरे से एक दिन में तो नहीं पिया जाएगा। साले मजाक बना के रखते हो। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? मेरा हुआ, मेरा हुआ, मेरा हुआ।
लिए मर जाते था। हम सामने ना आती तो कहीं की मर्जी थे। आप ट्रक के सामने नहीं आते तो ये उनको कुचल देता। एक काम करते हैं सर, ट्रक मैं चलाता हूँ फिर आप बीच में आना। अबे आदमी है कि क्या है, ट्रक ब्रेक लगाने से रुकता है, बीच में आने से थोड़ी रुकता है। वो ट्रक वाला अंधा थोड़ी है, उसको दिख नहीं रहा कि ये झिंगू रोड क्रॉस कर रहे हैं। बीच में आने से क्या होगा, वो ब्रेक नहीं लगाएगा तो तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाएगा। अरे यार मैं किसको समझा रहा हूँ यार। गुरुजी प्रणाम। सर जी चरण कहाँ है? सर एक बार चरण बता दो मेरे को, चरण छूने आपके। नॉर्मली आदमी चाकू फेंकता है तो चाकू घूमते घूमते जाता है, यहाँ पहले सीधा जा रहा है फिर घूम रहा है फिर वापस सीधा जा रहा है, और उसके बाद तो कहना ही क्या। दुनिया की सारी शक्तियां लाके एक जगह रख दो, बावजूद उसके भोजपुरी के एक्शन फिल्मों की शक्तियां आपको खोल के बजा देगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। यहाँ तक कि सेंगजी को 10 रिंग्स भी भोजपुरी इलाके में आने के बाद मिली थी। इससे पहले कि ये भाई साहब इन रिंग्स को मेरे मुंह पे मारे, चलो लेडी सिंगम और दबंग नाग के पास चलते हैं। चिच्ची मैडम जी की छलांग देखी तुमने, लेकिन ऐसी ही एक छलांग और मारने के बाद मैडम जी निपट जाती है। देखो ग्रेविटी की दोबारा बजाने जरूरी है, इसलिए मैडम जी का बाबू ऑनलाइन आता है। हम सबसे बड़ा पुजारी, गेहूंपाल नबा का घर आई, हम नहीं छाधारी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं साला फुटबॉल बना के रख दिया है, अरे इस आदमी को नहीं मेरे बेचारे प्यारे सब्जेक्ट फिजिक्स को। इनको देख देख के लोगों ने फिजिक्स की इज्जत करनी छोड़ दी है आजकल। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। एक्शन। यही नहीं अभी और सुनिए। Once more। सिस्टम पार देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लॉजिक और इनके बीच 36 का आंकड़ा है, किसी के बाप की नहीं सुनते ये। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? और ग्रेविटी कहाँ गई ये तो आपको पता ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, बिल्कुल फ्री है, कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।